वो सर तो बात नहीं है, आप वो बताइए नहीं, वो एक ही बताओ चाहिए ना आपके तौर पर, तो लेंगे या हम भी लेंगे, लेकिन बताओ ऐसा क्या नहीं हम तो ले जाएंगे फाइल दे दे आज तो फोटो खींचे कितने आज आप एक मिनट। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनावी मुद्दा मेरे क्षेत्र में सबसे प्राथमिकताओं में मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराना चाहता हूँ और क्षेत्र का विकास कराना चाहता हूँ और एक बहुत आधुनिक स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। जी आपने भ्रमण किया क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं देखी आपने जो आप जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता से? मैंने वही प्राथमिकता बताई है आपकी, जो मैंने प्राथमिकता बताई है उन्हीं की आवश्यकता है कि क्षेत्र का विकास हो, एक अस्पताल का निर्माण हो, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो और एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुरादाबाद की नगर विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा केवल विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पे 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी तो विकास के मुद्दे पे कानून व्यवस्था के लोगों ने चुनाव लड़ा था और जीते थे। सरकार बनने के बाद सड़क बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा कानून व्यवस्था इस सब पे सरकार ने काम किया, वही अपने काम लेके हम जनता के बीच में आए हैं और बहुत अच्छा जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है। पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। कोई कंपटीशन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता की लहर चल रही है। सरकार विकास का बहुत काम मुरादाबाद में किया गया है, चाहे आरओबी का काम हो, चाहे एफओबी का काम हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो, लेकिन फिर भी यदि कोई काम अधूरा रह गया तो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।